हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आज के आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आओ। दोस्तों आज की वीडियो मतलब बहुत ज्यादा स्पेशल होगी, क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता है आज 23 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। सभी टीमों को अपने मेगा ऑक्शन से पहले रिटेंशन लिस्ट अनाउंस कर देनी होगी, जहां पे केकेआर के पास मैंने आप सबको पहले गिनाया था कि लगभग से 10-12 ऐसे खिलाड़ी है जिनको केकेआर चाहती है कि रिटेन करे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेगा ऑक्शन के रूल के कारण केकेआर टीम तो सबको रिटेन नहीं कर पाएगी। लेकिन अभी क्या अपडेट चल रही है सोशल मीडिया पे, क्या चीजें आ रही है, क्या कोई रियल अपडेट आ रहा है, कुछ क्या कोई न्यूज़ आ रही है, वो सारी चीजें मैं आप सबको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल पे अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है, इसलिए टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों जल्दी से वीडियो करते हैं शुरू। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा वहां पे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी न्यूज आ रही थी, कुछ सोर्सेस मतलब ऐसे रूमर्स ही आ रहे थे कि केकेआर टीम श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं करने वाली, मतलब श्रेयस अय्यर का जो रिटेंशन है वो कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी जो एक दो दिन पिछले गए हैं वहां पे बहुत सारे सोर्सेस मतलब 3-4 सोर्सेस की तरफ से ये न्यूज आ रहा है। जो अभी सबसे पहले बात करते हैं रेव स्पोर्ट्स की तरफ से न्यूज आ रहा है, फिर स्पोर्ट्स स्टार, फिर रोहित जुगलान, क्रिक सुबियान, ये सारे लोगों का अभी ऐसे कहना है कि केकेआर टीम श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं करने वाली। इसका कारण क्या है, तो कारण ये बताया जा रहा है कि श्रेयस अय्यर चाहते हैं कि केकेआर टीम उनको फर्स्ट रिटेंशन की तरह रिटेन करें और सबसे पहले रिटेंशन में सबसे ज्यादा पैसे भी उनको दिए जाए। तो ये अभी रीजन निकल के आ रहा है। और दोस्तों यहां पे मतलब ये सारी न्यूज़ बहुत ज्यादा चल रही है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आप देख लो, इंस्टाग्राम पे आप देख लो, सभी जगह पे बहुत ज्यादा ये वायरल हो रहा है न्यूज़ कि श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं करने वाली है केकेआर टीम। और रीजन ये है कि केकेआर टीम उनको फर्स्ट रिटेंशन में रिटेन नहीं करना चाहती है, फर्स्ट रिटेंशन एंड्रू रसल को मिलने वाला है। तो ये रीजन कुछ बताया जा रहा है। तो दोस्तों यहां पे अगर मतलब एक दो सोर्सेस ये क्लेम करती तो थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन दोस्तों यहां पे बहुत सारे सोर्सेस ये बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बातें जोर से आ रही है, ये चीज तो जोर से कंफर्म है। लेकिन मेरी क्या ओपिनियन है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि केकेआर टीम उनको रिटेन करने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है मतलब उम्मीद है कि श्रेयस अय्यर केकेआर टीम में अगले साल भी खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि केकेआर इतने आसानी से प्लेयर्स को नहीं छोड़ने वाली है। अपने कैप्टन को जो कि आईपीएल जिता चुका है उनको मुझे नहीं लगता कि केकेआर टीम छोड़ने वाली है, कुछ ना कुछ आगे जोश होने वाला है। लेकिन अभी रिपोर्ट यही सजेस्ट कर रही है और सबसे ज्यादा चांसेस अभी यही है कि श्रेयस अय्यर केकेआर के लिए रिटेन ना हो और ऑक्शन में वो जाते हुए नजर आए। ऐसे भी कुछ यहां पे न्यूज निकल के आ रही है कि श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, केएल राहुल कुछ ऐसे प्लेयर है जो हो सकता है कि ऑक्शन में इंटर करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये भी रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। तो दोस्तों यहां पे अभी के लिए आपको अपनी ओपिनियन बताना है। मैंने आपको बता दिया कि भले ही न्यूज ऐसा सजेस्ट कर रही है, बहुत सारे न्यूज बता रहे हैं कि वो रिटेन नहीं होंगे, लेकिन मुझे एक उम्मीद है कि केकेआर टीम उनको जस्ट रिटेन करने वाली है और हो सके तो फर्स्ट रिटेंशन के तरह ही उनको रिटेन किया जाए। उसके बाद दोस्तों यहां पे चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, अभी मैंने आप सबको बताया था कि हर्षित राणा जब डेब्यू नहीं किया उन्होंने इंडिया के लिए, तो ये चीज तो मतलब कंफर्म हो गया कि हर्षित राणा का तो मतलब रिटेंशन होने वाला है। 4 करोड़ में केकेआर को जोशे मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे अभी रमनदीप सिंह का भी नाम हमारे सामने आ रहा है, जहां पे दोस्तों रमनदीप सिंह की भी न्यूज आ रही है कि केकेआर टीम उनको भी अनकैप प्लेयर के रूप में रिटेन करने वाली है। जहां पे रमनदीप बैटिंग भी करते हैं लास्ट में आके, फिर बोलिंग में भी विकेट लेते हैं, साथ में फील्डिंग आप देखती हो, फील्डिंग से वो इतना एक्स्ट्रा जो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं उसकी वजह से मुझे लगता है कि उनको रिटेन करना चाहिए। तो न्यूज ऐसी आ रही है कि केकेआर टीम हर्षित राणा और रमनदीप सिंह दोनों अनकैप प्लेयर को 4-4 करोड़ में रिटेन करने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे बाकी बात करा जाए तो एंड्रसल और सुनील नारायण का रिटेंशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उनका रिटेंशन 100% कंफर्म है, उन पे यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, सुनील नारायण और एंड्रसल 100% रिटेन होने वाले। बाकी श्रेयस अय्यर का कुछ नहीं कहा जा सकता, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती के भी रिटेन होने के बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी कुछ ये सारी अपडेट्स चल रही है और ये बहुत सारे जो न्यूज सोर्सेस है अलग अलग बातें कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि श्रेयस अय्यर जो ऑक्शन में जाना चाहते हैं, किसी का कहना है कि केकेआर टीम उनको रिटेन नहीं करने वाली। तो मतलब बहुत सारी चीजें अभी चल रही है। बाकी फाइनल जब यहाँ पे पूरी तरीके से ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है, 31 अक्टूबर का भी बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है। 31 अक्टूबर को हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि क्या श्रेयस अय्यर रिटेन होंगे, कौन रिटेन होगा, कौन ऑक्शन में जाएगा। बाकी अभी केकेआर तो चाहती है कि बहुत सारे प्लेयर रिटेन हो, वेंकटेश अय्यर रिटेन हो, नितेश राणा रिटेन हो, मिचेल स्टार्क, फिल सॉल्ट, कितने सारे प्लेयर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी 31 अक्टूबर का और ज्यादा बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा सा उम्मीद है कि अभी भले ही न्यूज आ रही है लेकिन श्रेयस अय्यर मुझे लगता है कि रिटेन होंगे और अगले साल भी कप्तानी करने वाले हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आज के लिए इतना ही अपडेट था, बाकी सारी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे पता चलेगी, उसके बाद मैं आप सबको वीडियो बना के बताऊंगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से आप लोग